हेलो फ्रेंड्स, अशोका के रूल के दौरान मौर्यन एम्पायर का टेरिटोरियल एक्सटेंट बहुत ही वास्ट हुआ करता था। बट 232 बीसी में जब अशोका की डेथ हुई तो उसके बाद जो उसके सक्सेसर्स आए वो काफ़ी वीक थे। ऐसे में मौर्यन एम्पायर दो पार्ट्स में स्प्लिट हो गया, वेस्टर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट। मौर्यन एम्पायर के वेस्टर्न पार्ट को रूल कर रहे थे कुनाल और ईस्टर्न पार्ट को रूल कर रहे थे दशरथ। बट वेस्टर्न पार्ट के ऊपर हमेशा से फॉरेन इन्वेजन का खतरा बना रहता था और ऐसे में सीरीज ऑफ फॉरेन इन्वेजन की वजह से नॉर्थ वेस्ट पार्ट मगध एम्पायर के हाथों से निकल गया और इधर ईस्टर्न पार्ट में दशरथ के जो सक्सेसर्स थे वो भी काफ़ी वीक निकले। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए कई सारी मौर्यन प्रोविंसेस ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया। कलिंग ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया और इसके बाद आज के महाराष्ट्र और कर्नाटक का जो रीजन है वहाँ पर सतवाहनाज ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथ के समय मौर्यन एम्पायर का टेरिटोरियल एक्सटेंड सिकुड़ गया था और काफ़ी सीमित हो चुका था। बृहद्रथ के समय मौर्यन एम्पायर के कमांडर इन चीफ थे पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने 184 बीसी में एक आर्मी निरीक्षण के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर दी और खुद को राजा घोषित कर दिया और इस तरह शुरुआत हुई शुंग डायनेस्टी की। इन्होंने अपने किंगडम का सेंटर विदिशा को बनाया। विदिशा आज के मध्य प्रदेश में है। राजा बन जाने के बाद पुष्यमित्र शुंग के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन को बैक्ट्रियन ग्रीक्स से बचाने का। उधर बैक्ट्रियन ग्रीक्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया को इन्वेड करने की तैयारी कर रहे थे। बैक्ट्रिया बेसिकली एक एंशियंट एरिया है जो कि ऑक्सस नदी के साउथ और हिंदू कुश माउंटेन के नॉर्थ वेस्ट रीजन में है। आप मैप में बैक्ट्रिया की लोकेशन देख सकते हैं और देख सकते हैं कि ये हिंदू कुश माउंटेन्स के नॉर्थ वेस्ट में है और इसके जस्ट ऊपर ऑक्सस नदी बह रही है। एक्चुअली एक समय में ये लोग सेल्यूसिड एम्पायर के सत्रप हुआ करते थे। बैक्ट्रियन ग्रीक्स ने अपने राजा डेमेट्रियस के नेतृत्व में इंडिया के नॉर्थ वेस्ट रीजन को कैप्चर कर लिया और अपनी कैपिटल तक्षशिला को बनाया। बट ये लोग यहाँ पर ही नहीं रुके, इनफैक्ट इन्होंने पाटलिपुत्र को कुछ समय के लिए ऑक्यूपाई कर भी लिया था। बट पुष्यमित्र ने इन्हें बाहर खदेड़ दिया और अपनी लॉस्ट टेरिटरी को वापस लेने में कामयाब हुए। इतिहास में पुष्यमित्र शुंग को एक कट्टर ब्राह्मण राजा के रूप में देखा जाता है जिन्होंने अपने रूल के दौरान दो अश्वमेध यज्ञ भी करवाए और इन्हीं के रूल के दौरान मनुस्मृति की भी रचना हुई जो कि एक लॉ बुक है जिसमें ये बताया गया है कि एक आदर्श हिंदू सोसाइटी में कैसी चीज़ें होनी चाहिए। इसे भृगु ऋषि ने लिखा था। उधर बुद्धिस्ट लिटरेचर में पुष्यमित्र शुंग को प्रोसिक्यूटर ऑफ बुद्धिस्ट के रूप में पोर्ट्रेट किया गया है। इन बुद्धिस्ट सोर्सेज में मेंशन किया गया है कि इन्होंने 84,000 स्तूपों को डिस्ट्रॉय करवाया, बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज और उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप पर भी हमले किए। इसके अलावा बुद्ध भिक्षुओं को उनकी टेरिटरी से मार मार कर भगाया। बट पता नहीं क्यों बुद्धिस्ट लिटरेचर में ऐसा कहा गया है क्योंकि इस तरह के कोई भी एविडेंसेज नहीं मिले हैं। इनफैक्ट इनके रूल के दौरान काफ़ी सारे बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स को रेनोवेट और इम्प्रूव कराया गया था। फॉर एग्जाम्पल सांची और भरूत के स्तूपा में काफ़ी सारे एडिशंस और ब्यूटिफिकेशंस इनके रूल के दौरान ही हुए हैं। तो ये थी डिटेल्स पुष्यमित्र शुंग की। यूपीएससी के लिए एंशियंट हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्सावा।